हम लोग वापस अब जा रहे हैं नीला वाहन की तरफ, तो सुभान साहब से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा ड्राइव करके आज। सुभान साहब ने हमारे साथ ड्राइव किया सारे का सारा, फैसलाबाद से अभी तक सुभान ही ड्राइव कर रहा है, तो सुभान को पूछते हैं कि इसे कैसा लगा। क्यों जी सुभान साहब, क्या व्यूज है आपके? सर मैं गाड़ी चला के बताऊँ तो ठीक नहीं। आप चलाते बताएं सर। सर चलाते हुए भी बहुत मजा आया, ये वो रूट है जो मैंने जिंदगी में कभी सोचे ही नहीं थे मैं निकलूंगा पाकिस्तान के लिए, आज हमने वो सारी ड्राइव कर ली है। शुएब साहब आपका क्या कहना है? सर आज मुझे बहुत मजा आया, माशाल्लाह हमने बहुत ज्यादा विजिट किया है और यकीनन हमने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है। सर शाह जी आपके क्या व्यूज थे? भाई मैं तो वैसे ही थथा मां मेरी थानू की समझ आ गई। कटास राज से खेड़ा माइंस तक का सफ़र इंतहाई जलालत वाला था, लेकिन हम लोगों ने कवर कर लिया, रास्ता आपको दिखा चुका हुआ हूँ। अभी हम लोग खेड़ा माइंस पहुँच चुके हुए हैं और शाम के तकरीबन 4:30 हो गए हैं। कोशिश करें कि आप भी 3 बजे के करीब खेड़ा माइंस को विज़िट करें, क्योंकि 5 बजे खेड़ा माइंस को बंद कर दिया जाता है विज़िटर्स के लिए। तो अभी चलते हैं, कोशिश करते हैं हमें एंट्री मिल जाए, जल्दी से एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं खेड़ा माइंस। तो स्टे विद अस। कहाँ ले हमारे 33 वाले अगर हो गए। खेड़ा माइंस अभी अभी एंटर हुए हैं अंदर और सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो आपने वीडियो में देखा है, तो अभी आगे चलते हैं। ट्रैक हमारा रेल ट्रैक जो है वो साथ साथ जा रहा है और हमने खुद ही जो है वो वॉक करने के लिए रेल ट्रैक नहीं लिया और हम लोग आपको पैदल दिखाते हैं। ट्रेन आ रही है, इसकी टिकट्स जो हैं वो मैंने आपको दिखा दी थी वहाँ पर क्या रेट्स हैं, अगर आप ट्रेन के थ्रू जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूर रहा है आज का, लेकिन काफ़ी थक गए हुए हैं क्योंकि कंटिन्यूसली सुबह से खबेकी लेक और फिर कन्हटी गार्डन और तीसरा फिर नीला वाहन वहाँ पर भी रुके और फिर ऑब्वियसली कटासराज भी अभी जाना है। तो अभी खेड़ा कान में से जो है वो गुजर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और कुछ देर में बस दूसरी तरफ निकलने वाले हैं।
मौजूद है। ये 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जाके ओपन होगा और माइन के अंदर फ्रेश हवा दाखिल होगी, इसीलिए तो आप लोगों को माइन में घुटन महसूस नहीं हो रही। और जब बारिश अच्छा बात तो सुनो यार, उधर रशीदानी कर गए बाहर।